दोस्तों आज की डेट में हर तीसरा पर्सन किसी न किसी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहा है या किसी न किसी बोन्स हड्डियों से रिलेटेड डिसीजेज से ग्रस्त है। अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना यानी कि बहुत सारा पेन होना, आर्थराइटिस का हो जाना, जॉइंट्स की मोबिलिटी कम हो जाना, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे तो जॉइंट्स ही घिस गए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स का हड्डियों का कमजोर पड़ जाना, डीकैल्सिफिकेशन यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना, ऑस्टियोमेलेशिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आज की डेट में, ये जो हड्डियों की प्रॉब्लम है, ये जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इन सब के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी डाइट में कुछ स्पेसिफिक या कहीं कुछ न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हो रहा है। इवन आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, कुछ ऐसे मैसेज आए, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करेगा, जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग करने में, जो हमारी बोन्स की नीड को पूरा करने में मदद करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा खोजने के बाद मुझे एक अच्छा सप्लीमेंट मिला है जो कि हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करेगा, जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, एंड हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को, हमारी जॉइंट्स को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो पूरा दिलाने में हमारी बहुत मदद करेगा। तो आइए, बहुत सारी बात हो गई, आप लोग भी देखने को उत्सुक होंगे, तो पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या उसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। So, दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सप्लीमेंट है वो ये है, प्लांट बेस्ड जॉइंट सपोर्ट जो कि GHC कंपनी का है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सप्लीमेंट है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि बेसिकली जॉइंट्स के लिए और बोन्स की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। सो मैं इसको आपको इसके थोड़े से फीचर्स बताना चाहूंगा कि ये जो सप्लीमेंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई कोई सप्लीमेंट लेने से नुकसान होता है क्या ऐसा वैसा, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट बेस्ड है तो इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर हम इसके और फीचर्स की बात करें तो ये एलर्जी फ्री, इसको लेने से कोई एलर्जी नहीं है, FSSAI अप्रूव्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड ये नॉन GMO यानी कि इसमें जिस प्लांट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत हद तक ऑर्गेनिक है एंड नेचुरल है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया। सो दोस्तों बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें बेसिकली चार इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, बेसिकली चार चीज़ें। सबसे पहला है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन क्या होता है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू हमारे जॉइंट्स को कनेक्ट करने में, हमारे जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। दूसरा इसमें कॉन्ड्रोट्रिन का इस्तेमाल किया गया, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तीसरी जो चीज़ है इसमें MSM, और MSM का मतलब होता है मेथिल सल्फोनिल मिथेन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जॉइंट्स के आसपास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे हमारे जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो उसको डील करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि रोज हिप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिंजर का इस्तेमाल किया गया, पाइपर निग्रम जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में या उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसको लेने के बेनिफिट्स क्या हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सप्लीमेंट को लेने के बेनिफिट्स क्या हैं। ऑलरेडी थोड़े से बेनिफिट्स में इंग्रेडिएंट्स के साथ बता चुका हूं, बट मैं थोड़ा सा और एलेबरेट करके बताना चाहूंगा। सबसे पहला बेनिफिट ये हमारे जॉइंट्स को और बोन्स को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, हमारे जो हड्डियों के सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं, वो बनना कम हो जाते हैं, जिसके कारण हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारे बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को जिस कॉन्ड्रोट्रिन की जरूरत है, जिस ग्लूकोसामाइन की जरूरत है, ये उसे सप्लाई करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसी के साथ ही साथ हमारे जॉइंट्स को जो कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो हमारे जॉइंट्स के और बोन्स के आसपास होते हैं, तो ये उनको जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है वो सप्लाई करता है। तो जिसके कारण अल्टीमेटली हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, वहाँ पर पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, एंड हमारी बोन्स भी हेल्दी रहती है। दूसरा जो इस सप्लीमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ये जो आर्थराइटिस है ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, मतलब एक तरीके से साइलेंट किलर होता है, एक तरीके से साइलेंट पेन देता है। जो भी लोग आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि चाहे आप उठ रहे हो, चाहे आप बैठ रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, कंटिन्यूसली बॉडी में पेन बना रहता है, जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। तो ऐसे में ये जो सप्लीमेंट है उस इन्फ्लेमेशन को, उस पेन को कम करने में आपकी बहुत मदद करता है। तीसरा जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे जॉइंट्स बहुत स्टिफ हो गए, हम मोड़ नहीं पाते हैं, या हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी कम हो गई, हमारी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो इस सप्लीमेंट्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको आपकी मोबिलिटी को, जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, स्टिफनेस को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम के लिए, बोन्स जैसी प्रॉब्लम के लिए ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है।
सो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सप्लीमेंट को लेने का तरीका कैसा है, इसे कब लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है टोटल मिला के आपको 60 टैबलेट्स मिलते हैं, तो हर दिन आपको 2 टैबलेट का इस्तेमाल करना है, यानी कि ये आपको पूरा महीना भर चल जाएगा। तो कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक टैबलेट आपको लेनी है सुबह नाश्ता करने के बाद, कब लेनी है नाश्ता करने के बाद, और एक टैबलेट रात को लेनी है खाना खाने के बाद। इस तरीके से आपको दिन भर में इसकी 2 टैबलेट का इस्तेमाल करना है। कम से कम 2 से 3 महीने तो आपका इसका पूरा जो है इस्तेमाल कीजिएगा। ये नहीं कि कोर्स को बीच में छोड़ दिया फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी, फिर आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। अब किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सबसे पहला जो बच्चे हैं जिनकी उम्र कम से कम 15 साल के नीचे 16 साल के नीचे, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, और करने की सोच भी रही हैं तो कम से कम डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। बाकी हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, प्लांट बेस्ड है, नेचुरल है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है, एंड जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है ऐसे रियल लोगों से मैंने उनके एक्सपीरियंस पूछे हैं। तो 2-3 लोगों से जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा है कि वो सेटिस्फाई हैं, उन्हें बहुत हद तक इससे जो है फ़ायदा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मोबिलिटी थोड़ी कम है या कहीं फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो मुझे मोबिलिटी का अच्छा एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जॉइंट्स में जो मोबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से एक अच्छा सेटिस्फाई सप्लीमेंट है। अगर आप जॉइंट्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, अगर आप बोन्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक बार इसको परचेज करके ज़रूर देखेगा। परचेज करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ के जाकर परचेज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ एक नंबर पॉपअप हो रहा है वहाँ पर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप इस सप्लीमेंट को परचेज ही करें। आप कहोगे कि भाई मार्केट में बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां इस टाइप के सप्लीमेंट बनाते हैं, तो देखिए उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उनकी क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सो बेहतर है कि हम अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ही ट्राई करें जिससे कोई नुकसान ना हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, जो नेचुरल हो। ऑलराइट, सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। परचेज करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहो या किसी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।